अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अस्मा धनशेस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मूंग के कबाब, जिसके लिए हमने 350 ग्राम 350 ग्राम हरे मूंग को रात भर पानी में भिगोकर रखा है, 3 लाल मिर्चें, 4 हरी मिर्च, 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 12 से 15 गार्लिक क्लॉव, 1/4 कप कोरिएंडर लीव्स हरी धनिया, वाटर पानी एज रिक्वायर्ड, थोड़ा थोड़ा पीसने के लिए यूज़ करें। मेथड, सबसे पहले हम भिगोए हुए मूंग में ये सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इन मसाले और मूंग को मिक्सर के पॉट में थोड़ा थोड़ा लेकर मोटा मोटा पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर मोटा पीस लेंगे। मूंग के मिक्सचर को हमने मोटा पीस लिया है, अब हम उसे एक डब्बे में निकाल देंगे। मूंग के मिक्सचर को हमने मोटा मोटा पीस लिया है, अब हम इस मूंग के मिक्सचर में 4 मीडियम अनियन चॉप ऐड करेंगे, 1 टीस्पून एवरेस्ट का मीट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमें कबाब एक्स्ट्रा सॉफ्ट चाहिए, इसीलिए हम एक बाउल में मूंग के कबाब का मिक्सचर ले लेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। हम इस कबाब के मिक्सचर में पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि कबाब एक्स्ट्रा सॉफ्ट बन जाए। अगर आपको सॉफ्ट नहीं क्रिस्पी खाना पसंद है तो आप बिना पानी ऐड किए ऐसे ही अपनी पसंद का शेप देके कबाब बना सकते हैं। मूंग के कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है, अब हम देखेंगे इसको फ्राई करने का मेथड। एक नॉनस्टिक पैन में ऑयल गरम करेंगे, कबाब का मिक्सचर डाल के फैला देंगे। इसी तरह सारे कबाब बना लें। हम इन कबाब को शैलो फ्राई कर रहे हैं, दोनों तरफ अच्छे से पकने के लिए दें। अगर आप मूंग के कबाब को सॉफ्ट नहीं क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो बिना पानी ऐड किए हुए डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें। मूंग के कबाब एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब हम उसे पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। कबाब को दोनों तरफ पलट कर 3 से 4 मिनट तक पका लें। कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब हम उसे टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। इसी तरह सारे कबाब फ्राई कर लें और टिश्यू पेपर पर निकाल लें। मूंग के कबाब रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।